इधर अंदर आ सकते हैं, इधर अंदर आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम है दोस्तों। तो कैसे आप लोग तो मुद्दा डाल दे रहे होंगे हमेशा के जैसा। आज अपन लाए थे इसने आपको लिया नाम है, क्या बोलते हैं पोलियो क्या तो जो कुछ भी हो, मेरे को समझ में नहीं आता नाम है, तरंगे नाम रहते हैं। खैर इससे पहले जो गम के तीन वीडियो जो दिखाया था ना भाई, सच्ची बोल रहा हूँ 4-5 दिन से एक गेम प्ले सीधा नहीं बन रही थी। वैसे भी घर में काम चल रहा था इसलिए वीडियो डाल भी नहीं पाया, इसके लिए सॉरी। और आगे से मैं वीडियो थोड़ा जल्दी डालने की कोशिश भी करूँगा, अगर हो सके तो माफ़ कर दो। तो यहाँ पर लूट तो सीधा नहीं मिलती, पिस्टला विस्टला मिल रहे थे, तो मैं यहाँ पर आता हूँ बोटों को मार के थोड़ा पॉकेट के खिलामे मिलते हैं ना यार, कुछ भी नहीं होता है नहीं तो ऐसे लूट के वास्ते इधर तरफ आता हूँ मैं। और देख रहे भैया गरीब लूट इतना कम कर दिया पबजी वाला अपडेट्स के साथ साथ, बोटों को मार के लूटना पड़ रहा देखो। और इन लोगों के पास ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है, रहती भाई ओजी और M16। खैर अपन ओजी और स्कारिल ले लेके आगे बढ़ते, इधर कई बोल तो भैमियों को वहाँ पर चिपका दिए थे उनकी। और मैं रोड क्रॉस इच कर रहा था कि यहाँ पर बाजू से एक बंदा स्प्रे देता है, तो मैं यहाँ पर ये डिवाइडरों के बाजू लेट आता हूँ। और इसके साथ साथ ही अपने नंबर 4 को भी नॉक कर देते होगा। और मेरे को एक बंदे के नीचे से फुटस्टेप्स आए जैसा दिखे थे सामने से, तो मैं जाकर चेक करता हूँ उधर एक बार। बंदा दिखता नहीं है तो मैं सीधा ऊपर निकलने लगता हूँ कवर देने के वास्ते मेरे दोस्तों को। और मैं ऊपर आते कि फिर से अपने नंबर 4 नॉक हो जाते हैं। और ये बंदा कूदने वाला था, इसको हवा में पकड़ लेके पूरा का पूरा खा जाता हूँ इसको। मार करो, कौन सा साइड है ना? और सामने स्मोक भी हो रखी थी ऊपर, शायद लोग हैं वहां पर। और जो स्टार्टिंग में इस घर में आ रहे इस टाइम पे मेरे को जब स्टार्टिंग पे फुटस्टेप आए सो वो ये शेटरों के घर पे से चाहे थे लेफ्ट साइड पे, तो उसका भी ध्यान रख रहा था मैं, उन्हें कब निकलता बोल के। भाई मैं वेट करता हूँ बहुत देर तक, लेकिन वो बंदा तो निकलने से रहा, तो मैं यार कोई अपन राइट साइड पे एक बंदा दिख जाता है मगर। और मैं थोड़ा हिट देने की कोशिश करता हूँ बंदे को, लेकिन इससे कुछ होता नहीं। और मैं मेरी छाती को जमीन पे तल के घसड़ रहा था, लेकिन मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है ऊपर। और मैं टपाटप करके वो बंदे को नॉक कर देता हूँ, लेकिन वो बंदा मेरे टीममेट को नॉक कर देता पहले, तो मैं एक स्मोक करता हूँ वहाँ पर ताकि वो बंदे को दिखे ना। और भैया हम ना बहुत देर तक रुकते भी यहाँ पर, लेकिन वो बंदे निकलते हैं ना हम लोग को निकलने देते, उससे साथ साथ जोन भी आ रही थी, हम लोग निकलने की सोच रहे थे, लेकिन हमारे टीममेटों को फाइट लेना था तो मैं वापस मुड़ जाता हूँ फाइट लेने के वास्ते। और एक बंदा मेरे को मिनी से मारना चाह रहा था और मैं बाजू खड़ी आता हूँ यहाँ पर। और मैं बैंडेज हूँ और फुल बूस्ट कर लेता हूँ, कहीं बोलते जोन है भाई, कब क्या होता किसी को नहीं मालूम, जोनों में बहुत बुरा बुरा काट काट के खाए होंगे, देखे शायद होंगे ना पहले पहले स्टार्टिंग पे वीडियो में, एक दिखाया ना आपको मैं स्टार्टिंग पे। उन लोग तो शायद नहीं आने वाले, शायद बोल के हम लोग जोन में निकलने लगते। अरे लोग आ रहे देख के, और इतने में हमारे टीममेट बोल अरे देते लोग भाई उन आ लोग रहे आ रहे बोल के, तो हम लोग वापस मुड़ते हैं उन लोगों के साथ फाइट लेने के वास्ते। हमारे नंबर 3 घास में क्या की ढूंढ रहे थे, उनको छोड़ के मैं आगे आता हूँ यहाँ पर एनिमीज के पास। एनिमीज अहेड, अरे गनी ले ले यार, मेरे को यहाँ पर से एंगल नहीं मिल रही थी तो मैं बाजू साइड जाता हूँ मैं।
और मैं बाजू का के देखते के सामने अजगर लेटे हुआ था, उसको नॉक करके पूरा खाने की कोशिश भी करता हूँ लेकिन बंदा कवर में जा चुका था। और हमारे टीम में टॉरिक एक बंदे को खाए आते हैं और इससे आखिरी बंदा बच रहा था एक जना है। और पूरा भी खा लेते भाई हमारे। और ये आखिरी बंदे को हिट देने की कोशिश करता हूँ, शायद एक गोली लगी उसको और वो बंदा तो कवर में भी बढ़ गया था। यहाँ पीछे है ना। मार्क द मार्क द लोकेशन। लोकेशन। मेरे को पहले के बंदे के किल भी मिल जाता है, शायद एज बंदे को उन्हें रिवाइव देने को आ रहा था शायद। और वो बंदा है कि कवर में लेट गया था, जो होगा देखा जाएगा, बोल के मैं आगे बढ़ता हूँ और इतने में हमारे टीममेट उसका काम तमाम कर देते हैं और इसके साथ ये स्नैप बोलने का टीम अरे खत्म। कुछ भी नहीं। और मैं सच्ची बोल रहा हूँ कितना सता ये टीम, सच में सामने जाने नहीं दे रहे थे हम लोग जोन में, और हमारे को जोन में भी निकलने का था, जोन सामने पड़ गया था, सेकंड रोज में स्टार्ट होने वाला था, तो मैं टुट्टी पुट्टी धुआं रे सो गाड़ी ले लेके निकलने की सोचते हैं यहाँ से। तो मैं टीममेटों को जल्दी जल्दी बुलाता हूँ, भाई चलो जोन तो आ गई, जल्दी जल्दी निकलना पड़ता हम लोगों को, तो वहाँ जोन में निकल रहे थे। वेट। अरे मामू आ जाओ मामू यार। बस इतना है और नंबर। हमारे नंबर टू तो फाइट गया तेल लेने बोल के, कब की निकल गया देखो ना। अरे आ रे रे। ये घर के पास। मार्क द लोकेशन। अरे भाई हाँ नंबर टू वो ले लेंगे, यहाँ पर से निकलने लगते हैं। और भाई लोग अगर आप लोगों की भी ऐसे जोन में कभी फाइट हुई क्या हो फोन खोल रहे। आज तक तो मेरे कमेंटों में ज़रूर बोलना। मेरे जोन छूटा हो गया। ये तो भी कुछ चेंज कर दो। और हम लोग ऐसा तैसा करके जोन में भी निकल जाते हैं, हमारी टूटी फूटी गाड़ी ले लेके, सच्चे बोल रहा हूँ दो गोलियाँ निकल लगते कि निकल जाती गाड़ी है। और हम लोग आते इस तरफ, कहीं बोलते हीलिंग करना था भाई, बहुत खतरनाक जोन के साथ हेल्थ भी निकल गई थी हमारी। और मैं लेट के हीलिंग मतलब बैंडेजा पोत्रों था, कहीं को बोलता हूँ मेडकिट हमें लगा लिया, बोलता आगे जाके काम में आएंगे भाई बैंडेज आना, जहाँ तक वहाँ तक लपट लेना है नहीं। पड़ोस पे बंदे के। और इतने में हमारे टीममेट बोलते हैं सामने बंदे इस कॉलेज में, तो जाके देखेंगे कहाँ है। Someone has been Someone here. has been here. और मेरे को यहाँ पर से सीधा एंगल नहीं मिल रहा था, मैं बाजू से जाके देखता हूँ। चलो दोनों से चलो चलो। और इतने में मेरे को ऊपर एक बंदा दिख जाता है, उसको टपा टप करके नॉक कर देता हूँ, नीचे वाले को मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो बंदा कवर में गया था। लेकिन इतने में हमारे नंबर टू को कौन के पकड़ लेते हैं। और मेरे को जाते इस टाइम पे ऊपर से ये डर था कि कहाँ ऊपर से उन्हें टपा टप करके मेरी बैट बॉल ना पेटी बॉल। बना दे। और इतने में मेरे को राइट साइड से स्प्रे आता, और मैं कवर में आकर देखता हूँ लेकिन मेरे को तो नहीं दिखता, लेकिन हमारे भाई को दिख जाते तो नॉक कर देते उन्होंने। और हमारे भाई बोल रहे थे राइट साइड पे एक बंदा बोल के मार्क कर रहे थे, लेकिन मेरे को ये डर हो रहा था कि कहीं उन्हें लेफ्ट साइड से फ्लैंक मार के हमारे को ना मार दे। लेकिन यहाँ पर से कोई आता नहीं, शायद यहाँ पर नहीं आया वो बंदा, लेकिन इतने में हमारे नंबर फोर उसको किल कर देते हैं। और भैया इसलिए कभी भी टीममेटों के साथ रहना, कहीं बोल तो कवरा भी देते और रिवाइव भी कर लेते अगर नॉक हो गए तो, नो। लेकिन कोई सुनते नहीं भाई, कोई तीर को जाता था कोई पीर को जाता,
ये तो इसलिए छोड़ दे, देखो ऐसी पेटियां बनते, फिर आपकी मर्जी। अगर अगली बार से दोस्तों के साथ रहो जरा, कई बोल तो रिवाइव भी कर लेते। देखो दोस्तों, अब भैया बच रहे थे बाकी के 10, हमारे को छोड़ के यहाँ पर कोई तो वह रहता शायद, या फिर आता शायद, बोल के रुकते हैं वहाँ थोड़ी देर यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कोई आता नहीं। हम लोग आते भाई वॉच टावर में, कहीं को बोलता हूँ ये एक ही जगह जोन में बन रही थी, और बंदे देखते हैं हम लोग कहाँ है बोल के। तो इमेज मेरे को ये बंदा दिखता, और मैं कोशिश करता हूँ उसको मारने के लिए, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है। और मेरे को ये पहाड़ पे से भी डर था, कहीं को बोलता हूँ कब कौन सा अजगर डस जाता, निकल जाता किसी को नहीं मालूम भाई। Enemies ahead. और वो बंदा जोन में भाग रहा था, और वो बंदा झाड़ के पीछे चले गया था, शायद एक या दो गोलियां पड़ गए थे उसको। और मेरे को यहाँ पर एक बंदा स्पॉट होता, और मैं बोलता हूँ मेरे टीममेटों को यहाँ पर एक बंदा बोल के, लेकिन वो बंदा सामने वाला भाग नहीं रखता उस मैच। और मैं नीचे उतरता हूँ उसको मारने के वास्ते, और मैं फिर हिट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उस बंदे को कुछ लगता नहीं है भाई, और मेरे को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। खैर यहाँ पर एक सामने एक बंदा स्पॉट होता उस टाइम पे, वो बंदा किधर गया वो नहीं मालूम, शायद राइट साइड गया या फिर लेफ्ट साइड पे, देखना पड़ेगा भाई। कहीं बोल तो सामने से अगर अजगर बन के डस गया फिर निकल गया, परेशानी हो जाती है अपने। और मैं पीछे भी देख रहा था, कहीं बोल तो पीछे भी आ सकता हूँ, उन्हें बोल नहीं सकते। हमारे टीममेट को एक बंदा दिखता है, उन्हें नॉक कर देते हैं, मैं पूरा खा जाता हूँ उसको, लेकिन इतने में वो दूसरा अजगर हमारे भाई को दस लेता, और इसी के साथ अपन को मिल जाता है विनर विनर चिकन डिनर। अगर भाई लोग आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक मार दो, कमेंट मार दो और सब्सक्राइब मार दो, और जब तक के लिए चलते हैं लौट के, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।